आज हम करते हैं उदाहरण नंबर सात। उदाहरण सात में हमें दिया गया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित युग्म को सरल कीजिए। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है हमें। इसमें हमें समीकरण दिया गया है 7x-5y इजिकल टू 2x+2y इजिकल टू 3। कितना है? 3। यानी हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको बताया था कि एक बार हम क्या है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में क्या कर देते हैं, एक बार x या y दोनों में से एक का क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापन करके। और y यानी हम अगर यहाँ पर y का प्रतिस्थापन करेंगे तो x का ये मान क्या कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं। तो वो बताया है यह समीकरण एक, यह समीकरण दो। समीकरण दो से, समीकरण दो से हम क्या करते हैं, एक्स है उसका तो मान क्या कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं। ये कौन सा होता है, माना एक्स बराबर क्या है, समीकरण दो से, समीकरण दो से हम करते हैं, तब हम एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, 3-2y। यानी इसमें क्या कर देते हैं, 2y का पक्षांतरण कर देते हैं, तब हमारे क्या हो जाता है, x का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस x का मान है वो किस में रख देते हैं, समीकरण एक में, तब हमें क्या है, y का मान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x की जगह अगर y रखेंगे तब पूरा फलन किस में हो जाएगा, y में। y का पूरा फलन होने के बाद हमें y का मान पता चल जाएगा, तब y का मान हम या इसमें रख दें या इस दोनों में से किसी में रखकर हम x का भी मान हल कर सकते हैं। यहाँ पर कर देते हैं समीकरण तीन से x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण तीन से x का मान किस में रखते हैं, समीकरण एक में, क्योंकि दो से तो हमने प्राप्त किया था x का मान, तब किस में रखते हैं, एक में। यानी जिससे हम प्राप्त करते हैं उसकी जगह ना रखकर किस में रखते हैं, अदर फलन में रखते हैं। अदर फलन में रखते हैं तब तो हो जाता है 7x की जगह में क्या रखना है, x-3-2y-5y इजिकल टू 2। यह हो जाता है। इसमें हम क्या कर देते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस कोष्टक वाले को हल करते हैं, तब तो हो जाता है 21-7×14y-15y इजिकल टू 2। वाई वाई में फलन हम देखते हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अगर चिन्ह समान हो और चिन्ह समान हो तब हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं। और ये 21 इधर हम प्लस में, इधर हम क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, पक्षांतरण कर देते हैं, तब हो जाता है -14/5 19y इजिकल टू 2-21। यह हो जाता है। इसमें हम देखते हैं -19y इजिकल टू -19, क्या हो जाता है, -19। यहाँ पर हम देखते हैं ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हमारा कितना आ जाता है, y इजिकल टू 19/19। 19 का भाग जाता है कितनी बार, एक बार, तो हो जाता है y इजिकल टू आ जाता है हमारा y इजिकल टू 1। यानी हम x का मान, एक बार हम माना है x का मान हम समीकरण एक में रखते हैं तो हमें y का मान पता चल जाता है। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण तीन में रख देते हैं। y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण तीन में, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, y का मान हम रखते हैं, y का मान कितना है, 1, तब हमें x का मान पता चल जाता है, x इजिकल टू 3-2 1।
आ जाता है एक्स इजिकल टू वन, कितना आ जाता है एक्स इजिकल टू वन, यानी हमारा एक्स का मान भी क्या है वन है और वाई का मान भी क्या है वन है। इस प्रकार हम रैखिक प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं उदाहरण सात को, वह एक्स का मान भी वन प्राप्त होता है और वाई का मान भी वन प्राप्त होता है। इसमें हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर वन रखते हैं, यहाँ पर वन रखते हैं वन और टू थ्री होते हैं, यहाँ पर वन रखते हैं तब सात माइनस पाँच कितना होता है टू, यानी ये दोनों क्या है ये दोनों मान है वो इन समीकरणों की क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं तो हमारा एक्स और वाई के मान क्या हो जाते हैं निम्न प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उदाहरण सात हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या आठ। उदाहरण आठ में दिया गया है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या एक को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें क्या करना है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न एक को क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहले हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्नावली 3.1 का हमारे प्रश्न दिया गया है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब नाम का व्यक्ति है वो अपनी बेटी से कहता है कि सात वर्ष पूर्व मैं तुमसे सात गुनी आयु का था। यानी मान ले हमें इसमें इसमें आफ्ताब ने क्या कहा था कि सात वर्ष पहले, यानी मान लेते हैं कि आफ्ताब की उम्र क्या है एक्स और पुत्र की उम्र क्या है वाई, यह तो क्या है आफ्ताब या फिर आफ्ताब और पुत्री, पुत्री की आयु क्या है वाई है और आफ्ताब की क्या मान लेते हैं एक्स, यानी इसने कोई निश्चित मान नहीं दिया है कि मेरी उम्र यह है तेरी उम्र यह थी। उसने एक हमने उसको उसने हमें हमारे को एक बीजगणितीय रूप में दिया है कि सात वर्ष पूर्व यानी सात वर्ष पहले, अगर पूर्व की बात करें तब तो क्या करते हैं इस उम्र में से घटाते हैं जो हमारी वर्तमान आयु है उसमें से घटाते हैं, और अगर बाद की बात करें तब हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ये तो इन दोनों की क्या थी वर्तमान उम्र पूर्व की उम्र क्या है सात वर्ष की बात करते हैं तब कितना घटाते हैं एक्स में से सात, और इसमें भी से भी क्या करते हैं वाई में से भी सात, सात वर्ष यानी इसकी भी आयु में से घटेगा इसकी भी आयु में से, क्योंकि इसकी और इसकी आयु सात वर्ष पहले तो अलग ही थी। तब उसने क्या बोला था सात वर्ष पूर्व मैं तुमसे सात गुनी आयु का था, यानी पुत्री की आयु कितनी है वाई माइनस सात, इससे यह कितना बड़ा था सात गुना, यानी पुत्री की आयु जो थी उसको अगर सात से गुणा करते हैं तब क्या है इसकी आयु का तब इसकी आयु का मान के बराबर हमें पता चल जाता। और उसने आगे और क्या कहा है अब से यानी अब जो उनकी उम्र है उससे तीन वर्ष बाद, यानी तीन वर्ष बाद की बात करता है तो हम क्या करते हैं इसकी उम्र में ऐड करते हैं, यानी बाद में या फिर बाद में की अगर बात करते हैं तब क्या है एक्स तीन वर्ष, उसने कितना बताया तीन वर्ष, यानी एक्स उनकी वर्तमान उम्र क्या है एक्स में हम क्या करते हैं तीन जोड़ते हैं एक्स प्लस तीन, यानी तीन वर्ष बाद में तीन वर्ष बाद में तुमसे केवल तीन गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी इसकी भी आयु में तीन जोड़ना है और इसकी भी आयु में कितना जोड़ना है तीन। उसने और क्या कहा है कि मैं तुम्हारी उम्र की तीन गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी जो उसकी उम्र होगी उसको अगर हम तीन से गुणा करेंगे तब क्या है आफ्ताब की उम्र का मान पता चल जाएगा। इस प्रकार उसने लॉजिक दिया है कि ये है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इन जो हमारी समीकरण बनते हैं इसको क्या करना है ग्राफीय प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, किससे करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम सॉल्यूशन में यहाँ पर करते हैं माना आफ्ताब की आयु आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स है एक्स तथा पुत्री की वर्तमान आयु क्या है
वाई है, वाई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पिता और पुत्र, यानी हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम इसको भाषा में भी लिख सकते हैं वर्तमान आयु यह है 7 वर्ष पहले की आयु, या इस प्रकार ना लिखकर हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं, तो वो देता है आपताप, आपताप, यहाँ पर पुत्री। उसकी वर्तमान आयु क्या है, यहां पर लिख देते हैं वर्तमान, वर्तमान आयु उसकी क्या है एक्स, और इसकी क्या है वाई। ठीक, उसके बाद उसने क्या कहा है, वर्तमान आयु दोनों की यह है, उसके बाद इसने कहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले की अगर वो बात करता है, तब उसकी उम्र क्या हो जाती है, जो वर्तमान आयु है उसमें से क्या है 7 वर्ष घटा देते हैं, जिससे हमारे को कोई पूछ ले कि आपकी उम्र 7 वर्ष पहले क्या थी, तो हम ऐसा ही करते हैं ना कि मेरी अभी उम्र 17 है और मैं 7 वर्ष पहले कितने का था, 10 वर्ष का था। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस सेवन और इसकी हो जाएगी वाई माइनस सेवन, क्योंकि दोनों क्या होगा, जैसे हम दो लोगों को पूछेंगे तब हम दोनों की उम्र क्या अलग अलग होगी ना, उसी प्रकार ये हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा है 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले उनकी उम्र क्या थी, ये थी, और उसने एक आपताप ने क्या कथन कहा था कि मेरी उम्र है जो 7 वर्ष पहले तुम्हारी उम्र के कितनी थी, 7 गुना, यानी उसकी उम्र का कितनी गुना थी, 7 गुना। ये बता देते हैं इसकी उम्र। उसके बाद देखते हैं 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अगर बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि इनकी उम्र क्या थी, इसकी उम्र थी एक्स प्लस थ्री, यानी अभी हमारे को कोई कह दे कि अभी हमारी उम्र, अभी मेरी उम्र 14 वर्ष है, 3 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या होगी, तब हम उसमें 3 वर्ष ऐड करते हैं। इसी प्रकार इसमें भी क्या करते हैं, वर्तमान आयु में 3 वर्ष ऐड करते हैं, यह हो जाते हैं। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार हम करते हैं, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि आपताप की जो 7 वर्ष उम्र पहले थी उसकी पुत्री की उम्र की कितनी थी, 7 गुना, यानी 7 वर्ष पहले आपताप की उम्र, 7 वर्ष पहले आपताप की उम्र क्या थी, एक्स माइनस सेवन इजिकल टू, वो किसके बराबर थी, पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र कितनी थी, वाई माइनस सेवन के 7 गुणा, कितने थे, 7 गुणा, यानी 7 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार उसने एक और क्या था, क्या था, ये तो हो जाता है हमारा समीकरण एक। उसके बाद उसने एक और क्या कहा था कि उसकी पुत्री की आयु से 3 वर्ष बाद वाली, 3 वर्ष बाद यानी आपताप की 3 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, एक्स प्लस थ्री, वो क्या थी, पुत्री की उम्र की 3 गुणा, यानी पुत्री की 3 वर्ष उम्र क्या होगी, 3 वर्ष बाद में 3, इसकी कितनी थी, 3 गुणा, 3 गुणा हो जाएगी। अब हमें बताना है कि इनकी उम्र है वो क्या है, वर्तमान उम्र क्या है, इसके बारे में बताना है। तो हम यहाँ पर करते हैं समीकरण दो से, प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम क्या करते हैं समीकरण दो से या फिर समीकरण एक से क्या कर लेते हैं, समीकरण एक से x का मान निकाल कर लेते हैं और फिर आदमी क्या कर लेते हैं x का मान इसमें रख देते हैं, तो हो जाता है समीकरण एक से, समीकरण एक से करते हैं तो हो जाता है एक्स इजिकल टू, ये माइनस का है इधर भेज देते हैं प्लस का, तो हो जाता है 7y-7, या फिर इसका क्या कर दें अंदर गुणा कर देता हुआ देता है 7y-49 प्लस 7, तो हो जाता है एक्स इजिकल टू 7y-49। ये माइनस का है या प्लस का है, अगर विपरीत चिन्ह हो तो हम क्या कर देते हैं उनका अंतर याद कर लेते हैं, अंतर कितना आता है 42, और बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, तब कितना आ जाएगा 42, यानी हमारे एक्स का मान क्या आ जाता है, हमने एक बार क्या पकड़ लिया एक्स का मान, मान लिया क्या है एक्स का मान क्या है 7y-42 है, हमें एक्स का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं एक्स समीकरण तीन का मान है वो समीकरण दो में रखते हैं, समीकरण तीन से, समीकरण तीन से एक्स का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि हमें किसी दोनों में से एक चर का क्या है मान उन समीकरणों से हल करके एक चरण का, एक फलन का मान दूसरे फलन में रखना है, तो हो जाता है एक्स का मान
समीकरण दो में। अब हम देखते हैं कि हमने समीकरण एक से हल किया था, तब हम क्या करते हैं इस दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं, तब हो जाता है समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो में रखते हैं तो वो देता है एक्स प्लस एक्स की जगह क्या रखना है हमें 7y, एक्स की जगह हमें क्या रखना है 7y माइनस 42 प्लस 3 इजिकल टू 3 कोष्टक y प्लस 3 याद आते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें y है उसका हल करते हैं कोष्टक वाले को, तब आ जाते हैं 7y माइनस 39 कितना आ जाता है 39, यानी हम देखते हैं यहाँ पर माइनस किसने बड़ी है कितनी अधिक है 39, तब आ जाते हैं माइनस 39 इजिकल टू 3y प्लस 9 कितना आ जाता है प्लस 9। अब हम क्या कर देते हैं इसका पक्षांतरण, यहाँ पर क्या करते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है 7y, ये प्लस का इधर आएगा माइनस 3y इजिकल टू, ये माइनस का इधर आएगा प्लस 39 प्लस 9, ये हो जाता है 7y। 7y में से अगर 3, 7 में से 3 के पीछे बचते हैं 4y इजिकल टू 9 और 9 18, एक 3 और एक 4 48, y इजिकल टू आ जाता है 48/4 कितना आ जाता है y इजिकल टू 12, एक बार दो बार कितना आ जाता है 12, y इजिकल टू कितना आ जाता है 12, y का मान तो आ जाता है 12, यानी उसकी पुत्री की उम्र क्या थी, अभी जो वर्तमान उम्र है वो पुत्री की उम्र क्या थी 12 वर्ष है। अब हम क्या करते हैं y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान अब हम समीकरण 3 में रखते हैं तब क्या हो जाता है x इजिकल टू 7 × 12 माइनस 42, यह हो जाता है 12 को हम 7 से गुणा करते हैं 12 सात 84 माइनस 42, तब आ जाता है एक्स इजिकल टू 42, दो में से दो 4 42, यानी एक्स का मान कितना आ जाता है 42 और वाई का मान कितना आ जाता है 12। अब हम देखते हैं कि अगर हमें यह इसकी जांच करनी है कि क्या इसकी उम्र और इसकी उम्र बराबर है या नहीं है, यानी यह समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। जांच करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह 42 रखते हैं और वाई की जगह क्या रखते हैं 7 रखते हैं, वाई की जगह कितना रखते हैं 12, वाई का मान हमें जो कितना प्राप्त हुआ 12, तो हम कितना रखते हैं वाई बराबर 12 रखते हैं। y का मान 12 रखते हैं तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं x बराबर 7, x का मान तो 42 माइनस 7 इजिकल टू 7, 12 माइनस 7 5, 5 सते 35 इजिकल टू 42 में 7 क्या 35, यानी उनकी 7 साल उम्र पहले उसकी 7 गुनी है, यह भी संतुष्ट हो जाता है। इसके बाद हम 3 वर्ष वाली भी निकाल लेते हैं, 3 वर्ष बाद में उसकी उम्र क्या हो जाती है 42 प्लस 3 इजिकल टू 3 × 12 प्लस 3, 12 और 3 15, 15 45 इजिकल टू 45, यानी उनके 3 वर्ष बाद भी उम्र क्या है बराबर हो जाती है, 3 गुणी होती हैं। इसमें हम लिख देते हैं एक्स और वाई का मान आ जाता है, तो इसमें हल में लिख देते हैं अतः आपताप कि वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है 42 तथा उसकी
पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, यानी उनकी हमें क्या वर्तमान आयु याद करनी थी। वर्तमान आयु क्या हो जाती है? 12 और 42। अगर 7 वर्ष पहले की पूछते हैं तब कितनी हो जाती है? आपताब की 35, और उस पुत्र की हो जाती है 5 वर्ष, और इसकी हो जाती है 3 वर्ष बाद में इसकी हो जाती है 45, और इसकी हो जाती है 15 वर्ष। इस प्रकार उदाहरण 8 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 9। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर में हमें 9 में हमें दिया गया है, आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को ले। उदाहरण 2 हमें क्या दिया गया था? अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है? 18 रुपये। प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य याद कीजिए, यानी हमें रबड़ और पेंसिल का मूल्य याद करना है, और किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं उदाहरण 9। क्या दिया गया है? पेंसिल और मानते हैं, माना पेंसिल का मूल्य एक्स तथा रबर का मूल्य वाई है। पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्या है? एक्स तथा वाई है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का, 2 पेंसिल यानी हम इसके समीकरण बनाते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है? 2 पेंसिल, यानी पेंसिल की संख्या कितनी है? 2। तब 2 पेंसिल यानी अब हमें 2 पेंसिल यानी एक पेंसिल का अगर एक्स मूल्य है तब 2 पेंसिलों का क्या हो जाएगा? 2x+3 वाई। 3 पेंसिल, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना दिया गया है? 18। कितना है? 18। उसके बाद क्या दिया गया है? 4 पेंसिल और 6 रबड़ का, 4 पेंसिल यानी 4 पेंसिलों का 4x+6y = 2 पेंसिल का दिया गया है 9, और इसका दिया गया है 18। अब हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना है, और क्या करना है? एक्स और वाई के मान याद करने हैं। हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, तब हम क्या करते हैं? समीकरण एक से, समीकरण एक से, इन समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण एक, समीकरण दो। अब हम क्या करते हैं? इनको नाम दे दिया, अब हम क्या करते हैं? इनको हल करते हैं। समीकरण एक से, समीकरण एक से हम क्या करते हैं? एक्स का मान हल कर लेते हैं, या फिर वाई का, किसी का भी करो। एक्स का करते हैं तो आ जाता है एक्स 2x = 9 - 3y, यानी हम 3y का पक्षांतरण कर देते हैं, पूरा फलन क्या है? x के बराबर हल कर लेते हैं। x के बराबर करना है तो वो देते हैं x = 9 - 3y / 2। कितना आ जाता है? / 2। यह आ जाता है x का मान। इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। अब हम यहाँ पर कर देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, यानी हमें जो x का मान प्राप्त हुआ, इस x के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं, तब हमें क्या है? पूरा फलन y में प्राप्त हो जाता है, और क्या कर देते हैं? y का मान निकाल लेते हैं, तब हो जाएगा x, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 2 में, क्योंकि हम एक में किस लिए नहीं रखते हैं? क्योंकि हम एक में, एक से ही तो हल किया था इस एक्स का मान, अब एक से हल करके एक में फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो हो जाएगा समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर याद होता है। इसमें हम देखते हैं समीकरण 2 में एक्स का मान क्या रखना है, ये जो हमें प्राप्त है समीकरण 3 का वो रखना है, तो 4cos(9 - 3y) / 2 + 3y =
18 कितना है इक्वल टू 18। यहाँ पर देखते हैं 2 बट्टे में, यहाँ पर 4 गुणा में, तब कितना आ जाता है 2। अब हम 2 का इसके अंदर गुणा कर देते हैं तब आ जाता है 18 माइनस 3 × 6 वाई इक्वल प्लस, यहाँ पर वाई का मान कितना है 6 वाई इक्वल टू 18। तब आ जाता है 6y से 6y कैंसिल, 18 = 18। यानी यहाँ पर हमें क्या है कोई मूल्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हमें अगर किसी भी अचर राशि का मान प्राप्त नहीं होता है तब हम क्या करते हैं उसका, अगर हम इस यहाँ पर x का ही मान प्राप्त नहीं हुआ है या फिर y का ही मान प्राप्त नहीं हुआ है तो हम x का मान निकाल नहीं सकते हैं। तब हो जाता है इसका मूल्य है वो क्या हो जाता है बहुमूल्य हो जाता है, यानी जो भी मूल्य है वो हमें क्या है याद नहीं होता है, यानी इसके हल क्या हो जाते हैं इसका हल हो जाते हैं वो कोई हल नहीं होते हैं, कोई इनके हल क्या हो जाते हैं अन्य हल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 क्या है आपस में एक दूसरे के समतुल्य हैं, अगर समतुल्य होते हैं तब उनके हल क्या हो जाते हैं अन्य हल हो जाते हैं, यानी हम इसमें रबड़ का मूल्य कोई भी मान सकते हैं और पेंसिल का मूल्य कोई भी हिस्सा भी ले सकते हैं, या इस प्रकार हो जाता है इसमें क्या हो जाता है अन्य हल हो जाते हैं। इसमें हमें क्या है अगर समान रूप से अगर किसी भी अचर पद का अगर मान प्राप्त नहीं है तो हम दूसरे का भी मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब इसका मूल्य क्या हो जाता है अद्वितीय या फिर बहुमूल्य हो जाता है जो हमें याद नहीं होता है। इस प्रकार उदाहरण 9 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 10। उदाहरण 10 में हमें दिया गया है आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 ले, क्या रेल पटरी एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी। अनुच्छेद हमें क्या दिया गया है रेल पटरियों वाला, उसके जो है समीकरण हमें दिए गए हैं, समीकरण कौन कौन से थे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को याद है x + 2y इजिकल टू 4, फिर -4 इजिकल टू 0, इसका हम यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है x + 2y इजिकल टू 4। नेक्स्ट समीकरण क्या दिया गया है, ये तो हो जाता है समीकरण संख्या हमारा कितना 1। नेक्स्ट है x² 2x + 4y -12 इजिकल टू 0, इसको हम कर देते हैं पक्षांतरण तब आ जाता है 2x + 4y इजिकल टू 12, समीकरण संख्या 2। क्या है समीकरण संख्या 2, यानी हम इस प्रकार हमें 2 समीकरण दिए गए हैं जिससे हमें क्या करना है एक्स और वाई के प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स और वाई के मान हल करने हैं और बताना है कि क्या रेल पटरी एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी। अगर हम इसमें देखते हैं कि एक्स और वाई का मान प्राप्त हो जाता है तब तो हम देख लेते हैं कि एक दूसरे को काटेगी, यानी कोई ना कोई हमें एक्स का मान और वाई का मान आ जाएगा, वो पॉइंट हमारा क्या होगा एक दूसरे को काटने वाला हो जाएगा। अगर हम देखते हैं कि एक्स और वाई का मान अगर हम हल करते हैं, इस प्रकार हमने उदाहरण 9 में क्या था कि दोनों की एक क्या है वैल्यू दोनों की बराबर आ जाती है, वो क्या हो जाते हैं अन्य कल हो जाते हैं, अन्य कल यानी उसका जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा एक अन्य गोला होगा, जो भी पॉइंट इसमें रखेंगे वही पॉइंट क्या है इसमें फॉलो हो जाएगा। और इसमें हम देखते हैं कि अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तब क्या हो जाता है समांतर हो जाता है, यानी वो एक दूसरे को नहीं काटेगी। हम करते हैं पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम करते हैं तो हो जाता है x = 4 - 2y ये हो जाता है x का मान। अब हम क्या करते हैं इसको दे देते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं तो बताता है x का मान हमें क्या दिया गया है 2
कोष्टक एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 वाई इजिकल टू प्लस 4 इजिकल टू माइनस 12, ठीक है, प्लस 12 यह दिया गया है। इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं तो आ जाता है, इसको अंदर अंदर गुणा करते हैं तो आ जाता है 8 माइनस 4 वाई प्लस 4 वाई इजिकल टू 12। यहाँ से प्लस 4 वाई और माइनस 4 वाई आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 8 इसके बराबर में, इसको हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, पक्षांतरण कर देते हैं तो होता है 12 माइनस 8 इजिकल टू 0, वाई का मान 8 बराबर 0। यहाँ पर कितना आ जाता है, वाई 8 4 बराबर 0, 4 बराबर 0 यानी 4 है वो क्या है, एक 0 के इक्वल है, यानी वो पटरियाँ क्या है, एक दूसरे के समांतर होगी, यानी जो 4 नंबर 4 होगा वो क्या है, कोई एक राशि है, और 0 भी क्या है, एक राशि है। इसमें x और y दोनों प्राप्त नहीं हुए हैं, दोनों प्राप्त नहीं हुए हैं तो हम क्या है, इसमें दूसरा चरण भी हल नहीं कर सकते हैं, जो दूसरा हमारा चर राशि है वो हल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा चर राशि हल नहीं करते हैं, तब वो क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। अगर 0 के इक्वल आ जाए तब तो समांतर होती हैं, अगर 0 के इक्वल ना आकर क्या हो जाए, राशियाँ 0 के इक्वल नहीं आकर, अगर दोनों ही राशियाँ जिसमें इसमें भी 4 इसमें भी 4, अगर दोनों राशियाँ बराबर मान आ जाए, यानी इसके बराबर के बराबर है, इसके बराबर दोनों अगर हमें संख्याएँ प्राप्त हो जाए, यानी अचर पद प्राप्त हो जाए, तब तो क्या हो जाते हैं, अन्य कल हो जाते हैं। अगर 0 के बराबर हो जाते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, इसका मान क्या हो जाता है, जो है वो क्या हो जाता है, एक समांतर रूप में हो जाता है, यानी उनका हल है वो कोई हल नहीं होता है, इस प्रकार हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं समय उदाहरण नंबर 11। उदाहरण 11 में हमें दिया गया है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है, तथा और उनके खर्चों का अनुपात क्या है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने के 2000 रुपये बचाना चाहता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी, यानी उसकी मासिक आय हमें याद करनी है, अगर वो क्या 2000 रुपये बचाना चाहता है, तब हम देखते हैं इसमें सॉल्यूशन में हमारा हो जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी दो व्यक्तियों की आय थी, हम माना मासिक आय का, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, माना आय एक्स है, माना आय एक्स है तथा खर्चे वाई है, क्या है, आय एक्स है तथा खर्चे क्या है, वाई है, खर्चे वाई है, यह हो जाता है। तो हम देखते हैं उसमें क्या करना है, दोनों व्यक्तियों की अलग अलग आय है और दोनों व्यक्ति अलग अलग रूप में बचाना चाहते हैं, यानी पहले की आय तो कितनी है, 9, और खर्च कितना करता है, 4, यानी अगर उनकी आय क्या है, एक्स, यानी तब उसकी आय पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए अनुपात में पहले कौन सी दी गई है, 9, और उसमें भी सेकंड वाले में क्या दी गई है, 4, यानी पहले व्यक्ति का जो आय है वो तो किस क्या है, x, x की कितनी है, 9 गुनी, और खर्चा कितना है, y के 4 गुना, यानी उसकी खर्चा अगर y है तो वो क्या करता है, उसकी y के 4 गुना, यानी अनुपात में दिए गए तो आ जाता है ये इजिकल टू, वो बचा था कितना है, अगर वो जैसे उसकी आय है 9x और वो उसमें से 4x खर्च कर देता है और उसके बाद वो महीने के कितना बचाता है, 2000, कितना बचाता है, 2000। इसी प्रकार सेकंड वाले की क्या है, आय तो 7x और खर्च कितना करता है, 3y, और बचाता कितना है, 2000, यानी दोनों बचाते तो समान है लेकिन खर्च है वो आय उन दोनों की अलग अलग है और खर्चा भी अलग अलग है। तब हमें बताना है कि विलोपन विधि से हल करना है, किसके द्वारा, विलोपन विधि से हल करके बताना है कि इन दोनों की आय है वो क्या होगी, वर्तमान आय इन दोनों की क्या होगी, या फिर एक्स और वाई के मान क्या होगे। तब हम करते हैं सॉल्यूशन में, अब हम क्या करते हैं, ये तो हो जाता है प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार यह पहले व्यक्ति
और यह है दूसरे दूसरे व्यक्ति। अब हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हम जानते हैं इन दोनों के क्या करते हैं, आपस में इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे से घटाते हैं। विलोपन विधि किसे कहते हैं, जिसमें दोनों समीकरणों को एक दूसरे में से घटाकर एक संख्या को क्या कर दें, विलुप्त कर देते हैं। तो हम इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं, इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण को है वो गुणा करते हैं किससे, 4 से। यानी हम समीकरण में हम देखते हैं कि ये 9 7 63 और 7 9 63, यानी या तो इसको 9 से गुणा कर दो, इसको 7 से, या फिर 4 3 12 और 4 3 12 और 3 4 12। यानी हम करते हैं इसको देते समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 को 3 से वे समीकरण 2 को 4 से गुणा करके घटाने पर, घटाते हम क्यों, क्योंकि हम विलोपन विधि होती है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो उन दोनों को जोड़ दें या उन दोनों को क्या कर दें, घटा दें। तो वह जाता है विलोपन विधि से समीकरण 1 से समीकरण 1 को 3 से गुणा व समीकरण 2 को। समीकरण 1 में हमें क्या करना है, 3 से गुणा करना है, यानी 3 9x-4y इजिकल टू 2 × 3, 4 × 7x-3y इजिकल टू 2 × 4। यह हो जाता है, पहले हम इनको हल कर लेते हैं, बाद में क्या कर देते हैं समीकरण 1 या 2 को घटा देते हैं, या फिर इतना ही लिख देते हैं गुणा करने पर। उसके बाद हम अलग अलग समीकरण हल कर लेते हैं और उन दोनों समीकरण क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो मैं यहाँ पर है 27, नेक्स्ट पद हो जाता है 27x+-12y इजिकल टू 6000, कितना हो जाता है 6000। उसके बाद आ जाता है 28x-12y इजिकल टू 8000। याद आता है। अब हम इन दोनों को एक समीकरण या तो नाम दे दो, या फिर क्या कर देते हैं इनको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, या फिर यहाँ पर कर देते हैं समीकरण 3 समीकरण 4। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 व समीकरण 4, समीकरण 3 समीकरण 4 में से, समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर, क्या करते हैं घटाने पर। इसी विधि को हम क्या करते हैं, घटाने वाली, या फिर इन दोनों को जोड़कर हल करें उनको क्या करते हैं, विलोपन विधि, घटाने पर, या फिर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करते हैं। तो वो जाता है 28x-12y इजिकल टू 8000, 28x-27x-12000 12y। इसको हमें क्या करना है, घटाना है, यानी माइनस से गुणा करना है। तो हो जाता है माइनस, ये हो जाता है प्लस इजिकल टू -6000। या फिर हम यहाँ पर विलोपन विधि करते हैं तो हो जाता है माइनस, विलोपन विधि क्या होती है, जो चिन्ह होते हैं उनका क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, इसको कहते हैं विलोपन विधि। तो हो जाता है 28 में से 27 के पीछे कितना बचता जाता है 1x 12 का 12 कैंसिल इजिकल टू 8 में से 6 गया पीछे कितना बचता है 2000। यानी x का तो मान कितना आता है 2000, x का मान आगे 2000 आता है। तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में रख दो, हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जाता है 1x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में क्या दिया गया है 7, x का मान कितना है 2000 -3y
इजिकल टू 9000। नौ नहीं 2000 कितना है 2000। अब हम क्या 7 × 14 यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण पक्षांतरण में क्या करते हैं इस दो को इधर भेज देते हैं और तीन को उस तरफ भेज देते हैं, क्योंकि ये माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 14000 - 2000 इजिकल टू 3y। वाई का मान निकालना है तब आ जाता है 3y इजिकल टू 12000। वाई इजिकल टू 12000 भाग 3, 3 का देते हैं 4, यानी हमारा कितना आ जाता है वाई इजिकल टू 4000। यानी उन दोनों को क्या है 4000 रुपये तक उनके आय तो है वो तो हो जाती है x यानी 2000 और उनके खर्च है वो कितना हो जाता है 4000 और वो कितना बचाते हैं 2000 बचाते हैं। वो किससे बचाते हैं कि उनकी आय है वो क्या है आय आय जो x है उसका क्या है 9 गुना आय है और खर्च है वो क्या है उसके खर्च से 4 गुना है, 4 गुना है तब वो बचाते हैं। इसमें तो हम देखते हैं कि ये तो माइनस यानी उसका तो खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं अब हम करते हैं अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था तो उनकी मासिक आय याद कीजिए, मासिक आय याद करनी है तब उसकी क्या हो जाती है 9 अनुपात में हो जाती है। तो हम करते हैं मासिक आय, मासिक आय, मासिक आय पहले व्यक्ति के लिए कौन सा समीकरण था 9x यानी x का मान में कितना रखना है 2000। मासिक आय यहाँ पर कर देते हैं पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति की मासिक आय याद करनी है तब क्या कर देते हैं 9x = 2000 माइनस 4y = कितना रख देते हैं 4000 इजिकल टू 2000। क्या जाता है इसका मान हम देखते हैं क्या 2000 के बराबर है। अगर 2000 के बराबर है तो हम उसका मासिक आय निकालनी है यानी उसकी आय निकालनी है। तो वो आय कितनी है उसकी पहले व्यक्ति की 9x है और सेकंड व्यक्ति की कितनी है 7x है। पहले व्यक्ति की तो 9x है और सेकंड व्यक्ति की क्या है 5x है, 5x है। अगर मासिक आय निकालनी है तो हम क्या करते हैं मासिक आय के लिए क्या करते हैं उनकी आय क्या है 9 अनुपात 7 में है। मासिक आय किस में 9 अनुपात 7 में तो बताता है 9x 7x 9 × x, x = 2000 अनुपात 7 7 × 2000 7 × 14 9 × 18 इसका कितना हो जाता है 14। यानी उनके मासिक आय तो क्या है एक पहले व्यक्ति की है 18000 और दूसरे व्यक्ति की कितनी है 14000 है। और उन दोनों को क्या है मासिक आय तो यह हो जाती है उनके खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात हम करते हैं तब हो जाता है खर्चों का अनुपात, खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात है वो क्या हो जाता है कितना है 9। वो कितना बचाते हैं महीने के 2000 तो वो बचाता है 18000। पहला व्यक्ति भी 2000 बचाता है, दूसरा भी कितना बचाता है 2000, कितना बचाता है 2000 यानी 14000 - 2000 इसका कितना आ जाता है 16, इसका कितना आ जाता है 12। अब हम देखते हैं इसमें देखते हैं 4 का भाग जाता है तब कितना आ जाता है 4। पहले देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसमें जाता है 4 × 4 = 3 यानी उसका खर्च कब है वो कितना अनुपात आ जाता है 3 × 3 = 4 आ जाता है। और वो खर्च कितना करते हैं पहला व्यक्ति 16000 रुपये खर्च करता है और दूसरा व्यक्ति कितना करता है 12000 रुपये खर्च करता है। इस प्रकार हमारा उदाहरण हो जाता है। इसमें हमें आय पूछी गई थी आय कितनी आ जाती है 18000 और 14000 और खर्च का अनुपात देख लेते हैं कि यह अनुपातों में बराबर है या नहीं है। इस प्रकार हमारा उदाहरण 11 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 12। उदाहरण 12 में हमें दिया गया है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरणों को
युग्म के सभी संभव हल याद कीजिए, यानी उनके हल याद करने हैं, अगर हल है या नहीं है। इसके बाद इसके लिए हम क्या करते हैं, जो किसका विधि करता है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से रैखिक युग्म समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए तो बताते हैं, रैखिक युग्म समीकरण है वो हमारे क्या दिए गए हैं, 2x + 3y, 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। इसमें हम एक तो देखते हैं कि हम अंदाज से भी कह सकते हैं, क्योंकि ये है, इसमें हम देखते हैं इसमें दो का भाग देते हैं तो आ जाता है 2 और इधर आ जाता है 3, यानी ये क्या एक दूसरे के संतुलित हैं, यानी ए व बी का मान क्या है, बराबर है, क्या है, a1 / a2 b1 / b2 नॉट इक्वल c1 / c2, यानी ये इस प्रकार का समीकरण है, तब इसका हल है वो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन हमें इसकी जांच करनी है किससे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम कर तब करते हैं, समीकरण एक को, समीकरण इसको दे देते हैं समीकरण एक, इसको दे देते हैं समीकरण दो। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को एक दूसरे कोई भी संख्या से गुणा करके उनकी एक राशि को क्या करते हैं, बराबर बना देते हैं और उनको आपस में काट देते हैं। तब करते हैं समीकरण एक को, समीकरण एक को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से, या फिर पहले क्या करते हैं, समीकरण एक को गुणा करते हैं, समीकरण एक को गुणा करने पर, समीकरण एक को किसे 2 से गुणा करते हैं, समीकरण एक में क्या आया, 2 × 2x + 3y = 8 × 2, तो हो जाता है 4x + 6y = 8 × 2 = 16, कितना आ जाता है, 8 × 2 = 16 याद आता है, ये हमारा हो जाता है समीकरण 3। अब हम करते हैं समीकरण 3 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से, या फिर समीकरण 3 में से घटा दो, या फिर किस में से घटा दो, समीकरण 2 में से इसको घटाकर भी हल कर सकते हैं, समीकरण 2 में से भी घटाकर हल कर सकते हैं और समीकरण 3 में से भी कर सकते हैं। समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाते हैं तो बताते हैं समीकरण 3 क्या है, 4x + 6y = 16, और इसका है 4x + 6y = 7। विलोपन विधि घटाने पर, या फिर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है, जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को क्या कर देती है, विपरीत कर देती है, घटाना है तो वह होता है माइनस, 4x से 4x कैंसिल, 6y से 6y कैंसिल, इजिकल टू कितना आ जाता है, 0 = 16 - 7, तब आ जाता है 0 = 9। हमने इससे पहले उदाहरण 8 किया था, उसमें भी क्या था, 0 = उदाहरण 9 था, उदाहरण 9 में भी क्या था, 0 = 4 आया था, उसको भी उसका भी हल क्या था, असत्य हल था, यानी कोई हल नहीं था, उसका हल हो जाता है समांतर सरणी हो जाती है, ये समीकरण एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, तो तब क्या हो जाते हैं, अद्वितीय ए कोई हल नहीं होगा, इसका हल है वो क्या हो जाता है, कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का है वो क्या हो जाता है, जो एक कथन
असत्य कथन है, यानी क्या है, असत्य कथन है, संभव सभी, हमें क्या करना था, युग्म के सभी संभव हल याद कीजिए, यानी इसका कोई हल नहीं है, तब क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः समीकरण, समीकरणों युग्मों के कोई हल नहीं है, क्या कोई हल नहीं है, यानी इन समीकरणों की क्या है हल, कोई सा भी पॉइंट है वो हल नहीं होगा, यानी ये कहीं पर भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अगर ग्राफ में शो करेंगे तब ये क्या है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इस प्रकार हो जाता है। उदाहरण 12 नेक्स्ट हम करते हैं, उदाहरण संख्या 13, उदाहरण 13 में दिया गया है, दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग क्या है, 66 है, यानी हम मानते हैं कि दो अंकों की संख्या है, उसमें क्या है, एक अंक को x मानते हैं, एक अंक को क्या मानते हैं, y है, x और y है, तब क्या हो जाता है, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर क्या है, दो है, तो संख्या याद कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है, यानी ऐसी संख्याएँ कितनी हैं और जिनका योग क्या है, 66 हो, जिनका योग क्या हो, 66 हो, तब हम मानते हैं, माना इकाई अंक, पहले क्या दाई आता है, पहले लिख लेते हैं दाई, माना दाई अंक x तथा इकाई अंक y है, क्या है, इकाई अंक y है और दाई अंक क्या है, x है, यानी दाई और इकाई हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दाई और इकाई है, उनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कि 10 प्लस जिस प्रकार 26 है, ये 26 है, 26 में दाई अंक कौन सा है, 2, और ये का दाई अंक है 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 6 है इकाई अंक, यानी इस प्रकार लिख सकते हैं, तब क्या हो जाता है, 2 गुणा 10 प्लस वाई, यानी हम उस संख्याओं को अगर निरूपित करते हैं, क्या करते हैं, संख्याओं को निरूपित करते हैं, संख्या का प्रसारित या फिर निरूपित, प्रसारित रूप, प्रसारित रूप अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, प्रसारित रूप क्या होता है, इस दो को तो हम दाई अंक को क्या मानते हैं, यहाँ पर दाई अंक दो है, दो को तो हम क्या मान लेते हैं, x, और इकाई अंक को क्या मान लेते हैं, y, यानी तब इसका समीकरण क्या हो जाता है, tan x प्लस वाई, क्या हो जाता है, प्रसारित रूप क्या हो जाता है, tan x प्लस वाई, तब प्रसारित रूप हमारा क्या हो जाता है, tan x प्लस वाई, यह हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, संख्या को उलटने पर, संख्या को उलटने पर, उलटने पर संख्या को उलटते हैं तब क्या हो जाता है, हमने पहले क्या 26 माना था, अब 26 को अगर हम उलटेंगे तब क्या हो जाएगा, 62, 62 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमारा दाई अंक क्या था, x, और ये क्या हो जाता है, y, क्योंकि ये x और ये y जिस प्रकार था इसी प्रकार हम यहाँ पर मान लेते हैं, तब हो जाता है कि x और y है, तब क्या हो जाता है, 6 गुणा 10 प्लस 2, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि 6 2 60 प्लस 2 कितना होता है, 62, इस प्रकार लिख सकते हैं, तब y, 6 हमारे क्या था, y, और यह क्या हो जाता है, 10, तब हो जाता है 10 y प्लस 2, हमारे क्या था, x, तब हो जाता है 10 y प्लस x, तब हो जाता है संख्या को उलटने पर प्रसारित रूप, प्रसारित रूप, संख्या को उलटने पर प्रसारित रूप क्या हो जाता है, tan y प्लस x, इस रूप में हो जाती है। तब हम देखते हैं, इस प्रकार हो जाता है, तब हम करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, उन संख्याओं का, उन संख्याओं का योग, उलटने पर बनी संख्याओं का योग, यानी उलटने पर दो संख्या, यानी 26, इस प्रकार 26 प्लस 62 यह बनी थी, इन दोनों का योग है वो कितना है, 6 और 2 8 8, यानी इसमें तो क्या है, 88, जबकि इसमें क्या दिया गया है कि जो संख्या है, यानी 10 प्लस
टेन एक्स प्लस वाई और टेन वाई प्लस एक्स है, उसका मान क्या है 66 दिया है। कितना है 66 है, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, उलटने वाली संख्या और जो पहले संख्या थी उसका योग कितना हो जाता है टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन वाई प्लस एक्स, इसका मान कितना दिया गया है 66। कितना है 66, तो हम क्या करते हैं इनका योग कर देते हैं, योग करते हैं तो हो जाता है 11x प्लस 11y, यह हो जाता है इजिकल टू 66। यहाँ से 11 कॉमन, x प्लस वाई इजिकल टू 66, 11 से ये कर देते हैं कितना आ जाता है 6, यानी x प्लस वाई इजिकल टू कितना आ जाता है, यहाँ पर लिखते हैं टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन वाई प्लस एक्स इजिकल टू 66, 11x प्लस 11y इजिकल टू 66, 11 कॉमन, x प्लस वाई इजिकल टू 66, इससे कैंसिल हो जाता है 11 से, 11 का भाग जाता है इसमें कितना आ जाता है 6, तो आ जाता है x प्लस वाई इजिकल टू कितना आ जाता है 6। यह तो हो जाता है हमारा समीकरण संख्या 1, यह हो जाता है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, यानी संख्याओं का जो अंक आएगा उसका अंतर क्या है 2 है, जिससे हमें, जैसे हमने माना था कि ये क्या है 2, 26 माना था, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी 26 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2, इसका भी मान क्या है 2 और 2 माइनस 6, ये दो स्थितियाँ बनती है कि या तो ये संख्या बड़ी होगी या ये संख्या बड़ी होगी, जो बड़ी होगी उसमें से घटाएंगे तब क्या हो जाएगा उनके अंतर क्या आए 2 आए, दो स्थितियाँ बनती हैं, दोनों स्थितियाँ हम यहाँ पर लिख लेते हैं अंकों का अंतर है क्या है, अंकों का अंतर क्या है 2 है, तो हम करते हैं प्रश्नानुसार या फिर जब जब अंकों का अंतर 2 हो तो अंकों का अंतर 2 हो तब क्या हो जाता है, अंकों का अंतर 2 है तो स्थितियां कौन कौन सी बन जाएगी, तब प्रश्नानुसार या फिर तब स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट यह बनती है कि x का मान बड़ा हो और y का मान छोटा हो तब क्या हो जाता है 2, और स्थिति सेकंड, स्थिति ये तो आ जाती है फर्स्ट, ये आ जाती है स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, याद आता है एक और समीकरण, समीकरण संख्या 2, स्थिति सेकंड में आ देती है वाई बड़ा हो और एक्स क्या हो छोटा तब भी अंतर क्या हो 2, यानी स्थिति थर्ड, याद आता है समीकरण 3। अब हम देखते हैं इसमें से एक्स और वाई का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं पहले तो समीकरण 2 और समीकरण 1 की तुलना करते हैं, उसके बाद 2 और 1 की, 3 और 1 की करेंगे तब हम क्या हो जाएगा वाई का मान है वो अलग आ जाएगा और एक्स का मान अलग आ जाएगा, उसमें एक्स का मान और वाई का मान अलग होगा, तब हम करते हैं समीकरण 2 और समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 क्या देखा है एक्स प्लस वाई इजिकल टू 6, इसमें हम जोड़ते क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर y माइनस का है, अगर जोड़ेंगे तब क्या है y से y कैंसिल हो जाएगा, तब हो जाएगा x प्लस माइनस वाई इजिकल टू 2, जोड़ना है तो हो जाएगा x y से y कैंसिल, तब आ जाता है 2x इजिकल टू 8, 2 से 8 कैंसिल, तब आ जाता है x इजिकल टू 4, x का मान 4 आता है, तो हम क्या करते हैं x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, चाहे किसी में भी रख दो, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तब कितना आ जाता है 4 माइनस वाई इजिकल टू 2, वाई का यहां पर क्या कर देता है पक्षांतरण, पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तब क्या है y को इधर भेज देते हैं 2 को इधर भेज देते हैं, तब आ जाता है y इजिकल टू 4 माइनस 2 y इजिकल टू 2, यानी y का मान कितना आ जाता है 2 और x का मान कितना आ जाता है 4 आ जाता है। अब हम करते हैं समीकरण संख्या 3 से, समीकरण 3 और 1 से, समीकरण
तीन समीकरण एक प्लस समीकरण तीन, तीन से इस पर हम देखते हैं अंतर तो समान है लेकिन इसमें क्या है वाई पहले और एक्स बाद में, तब होता है समीकरण तीन और एक से समीकरण एक आ जाता है एक्स प्लस वाई इजिकल टू छः, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल टू टू, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है तब आ जाता है टू वाई इजिकल टू आठ, आठ तब आ जाता है वाई इजिकल टू चार, वाई का मान कितना आ जाता है चार। अब हम क्या करते हैं x, इसमें x का मान समीकरण दो में रखा था, इसका समीकरण तीन से क्या है तब क्या है? इसमें रखते हैं समीकरण तीन से, तब आ जाता है समीकरण तीन में y का मान रखने पर, समीकरण तीन में रखते हैं y का मान, समीकरण तीन में हमें क्या दिया गया है चार y, y का मान दिया गया चार माइनस एक्स इजिकल टू टू, यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है एक्स को इधर भेज देते हैं तब यह एक्स प्लस का हो जाता है, और दो को इधर भेजते हैं यह आ जाता है माइनस का, तब एक्स का मान कितना आ जाता है दो। यानी जब वाई का मान चार होगा तब एक्स का मान कितना होगा दो, और जब वाई का मान एक्स का मान चार होगा तब वाई का मान कितना होगा दो होगा। यानी इसमें हम देखते हैं जो संख्याएं बनती हैं वो कितनी को कौन कौन सी बनेगी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर संख्याओं का सत्यापन करते हैं, संख्याओं का क्या करते हैं सत्यापन, यहाँ पर क्या करते हैं सत्यापन। अब हमें क्या क्या हमने क्या था इकाई अंक को एक्स और दाई अंक को क्या वाई माना था, तो यह हो जाता है संख्याओं का सत्यापन करना है। पहले लिखते हैं संख्या का प्रसारित रूप, प्रसारित रूप में हो जाता है एक्स का मान क्या मानना है चार और वाई का मान दो, यह हो जाता है प्लस चार प्लस दो चार दो प्लस। अब हमें क्या करना है वाई का मान है वो कितना मान लेना है चार और एक्स का मान क्या करना है दो। यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं सत्यापन, सत्यापन क्या है संख्या का रूप प्लस उलटने पर रूप इजिकल कितना है छियासठ, हमें क्या दिया गया है योग क्या है छियासठ है, तब संख्या है वो क्या हो जाती है चार और दो प्लस दो और चार इजिकल टू छियासठ। हम देखते हैं ये क्या है दो छः और छः इजिकल टू छियासठ, यानी बयालीस और चौबीस, बयालीस और चौबीस दो ऐसी संख्याएं हैं जिसका योग कितना होता है छियासठ होता है, और अगर हम उन दोनों को उल्टा लिखें तब वो क्या हो जाते हैं उन दो यानी एक बार तो एक संख्या को सीधा लिखते हैं और दूसरी बार में क्या करते हैं उल्टा लिखकर अगर उन दोनों का योग करते हैं वो कितना हो जाता है छियासठ हो जाता है। इस प्रकार उदाहरण तेरह हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या चौदह।